तो कैसे हूँ मेरे भाई, मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है फिल्मी फैंस के एक और नए रिव्यू वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ लॉक एंड की, जिसका सीजन 3 आ गया है। तो इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप सभी व्यूवर को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉक एंड की, अगर इस सीरीज को आपने नहीं देखा अभी तक तो भाई आपने बहुत अच्छी सीरीज मिस की है, क्योंकि यह सीरीज सच में कमाल की है। यह सीरीज एक अलग सीरीज है और बाकी सीरीज से यह अलग है, क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी बाकी सीरीजों से डिफरेंट है। इससे पहले इसका 2 सीजन आ गया और सभी को नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं, वो भी हिंदी में। तो यह एक काफी अच्छी बात है। अगर बात करें लॉक एंड की स्टोरी प्लॉट की, तो एक घर है जिसका नाम है लॉक हाउस और उसमें रहने वाले फैमिली है जिसको लॉक फैमिली कहते हैं। उसके पूर्वजों द्वारा की बनाई गई है जो कि उसी घर में कहीं ना कहीं छुपाई गई है और वह सिर्फ लॉक फैमिली ही खो सकती है उसको। जब लॉक फैमिली को किसी काम की जरूरत होती है, किसी चीज़ की चाह होती है, तो वो चाबी खुद पर खुद उसको बुलाता है और उस लॉक फैमिली के अलावा उस चाबी को कोई ले नहीं सकता है। और वो तभी ले सकता है जब लॉक फैमिली अपनी इच्छा से उस चाबी को किसी और को दे, वरना वो जल जाएगा। साथ ही साथ लॉक फैमिली भी 18 साल की उम्र के बाद उस चाबी के बारे में भूल जाता है। कह सकते हैं कि व्यस्क होने के बाद किसी को भी उस चाबी के बारे में याद नहीं रहता है। ये चाबियाँ काफ़ी स्पेशल है, इसमें कई सारी प्रकार की शक्तियाँ हैं और हर चाबी की अलग अलग खूबियाँ हैं। चाबियों में कई प्रकार की खूबियाँ के कारण लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको पाने के लिए ही इसमें संघर्ष जारी रहता है। अगर सीजन 3 की बात करें तो सीजन 1 और 2 की तरह ही यह आगे बढ़ती है। सीजन 1 और 2 की तरह ही सीजन 3 का बेसिक कहानी का प्लॉट है, उसी स्टोरी पर यह आगे कंटिन्यू करती है। जैसा कि सीजन 2 के एंड में दिखाया गया था कि केंजी के ग्रुप का ही एक लड़की है जो कि श्रापित हो चुकी है, वह अब दुश्मनों के साथ मिल चुकी है। वह यूको वाला जो कुआं है, जो उसमें से एक पुराने जमाने के सोल्जर या सैनिक कह सकते हैं, उसको वापस ले आती है और वो सैनिक आते ही उस लड़की को कुएं में धक्का दे देता है और वो मर जाती है। उसके बाद वो सैनिक जो कि काले साए के बस में है, वो सारी चाबियों को पाने का कोशिश करता है ताकि वो सारी चाबियों को लेकर वो जो दूसरी दुनिया का गेट है उसको खोल सके, उसको बड़ा बना सके, और उसके लिए उसको सारी चाबियाँ ही चाहिए। तो इसी के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है सीजन 3 की। तो ओवरऑल सीजन 1-2 की तरह सीजन 3 भी हमें बांधे हुए रखती है। इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सीजन में देखा है, तो सेम स्टोरी पैटर्न को यह भी फॉलो करती है और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं घटती है। इसमें कुछ नई चाबियां भी ऐड की गई है, एक चाबी है जो पिछले वक्त में ले जा सकती है, एक चाबी है जिसको क्रिएशन की बोला गया है। उस चाबी से आप जो कुछ भी ड्रॉ कीजिएगा, जैसे सकलक बुम बुम पेंसिल से करते थे, वो आपके सामने उपस्थित हो जाती है। एक चाबी है जो बक्से की है, उस बक्से में आप कुछ भी बंद कीजिएगा वो नहीं खुल पाएगा। वो बक्सा इतना मजबूत है कि उसको कोई काट नहीं सकता, उसको किसी भी मशीन से तोड़ नहीं सकता, किसी भी हथौड़े का किसी भी चीज़ से वो खंडित नहीं हो सकता। एक बार जब बंद कर दिए तो बंद कर दिए, उसके चाबी के अलावा उसको नहीं खोल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें इस सीरीज को स्पेशल बनाती है। तो ओवरऑल अगर आपने यह सीरीज नहीं देखी है, इसके एक भी सीजन नहीं देखा है, तो इस सीरीज को जरूर देखिए। यह एक काफ़ी अच्छी सीरीज है और इसका सीजन 3 भी वही फील देता है जो सीजन 1-2 देता है। तो लास्ट में बात करें इस सीरीज को रेटिंग देने की, तो मैं इस सीरीज को 10 में से 7.5 की रेटिंग देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने यह सीरीज देखी है तो आपका फेवरेट की कौन सा है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरा तो फेवरेट की है भाई, वो जो किसी भी दरवाजे से कहीं भी पहुँच सकता है, जिस जगह के बारे में सोचता है उस जगह का दरवाज़ा खुल जाता है, वो की मेरा फेवरेट है हमेशा से। तो आपका फेवरेट की क्या है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।